नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के मालिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी एसएससी जीडी और जो भी एग्जाम होने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, जिस प्रकार इंडिया में क्रिकेट के क्षेत्र में आईपीएल होता है, उसी प्रकार फुटबॉल के क्षेत्र में ISL होता है। तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट में लिख रहे थे कि फुटबॉल टीम के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आइए उनके ओनर के बारे में। तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करें। और दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आसानी से देख सकें, और लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है, कोलकाता ATK के मालिक कौन है? तो दोस्तों, कोलकाता ISL टीम ATK के मालिक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली, हर्षवर्धन, संजीव और उत्सव प्रकाश। ये चार व्यक्ति जो है कोलकाता ATK ISL टीम के मालिक है। अगला सवाल है, बंगलौर FC के मालिक कौन है? तो दोस्तों, बंगलौर FC के मालिक है JSW ग्रुप जो है बंगलौर FC के मालिक है। और ये जो बंगलौर FC है एक फुटबॉल टीम है जो कि ISL में भाग लेता है। अगला सवाल है, चेन्नई टीम के मालिक कौन है? तो आंसर है अभिषेक बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी और वीट अदानी। अभिषेक बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी और वीट अदानी जो है चेन्नई टीम के मालिक है। अगला सवाल है, दिल्ली डायमंड्स के मालिक कौन है? तो आंसर हो जाएगा जी एस एम शिपिंग जो है दिल्ली डायमंड्स ISL टीम के मालिक है। अगला सवाल है, गोवा टीम के मालिक कौन है? तो आंसर है जयदेव मोदी, वेणुगोपाल धूत और विराट कोहली। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोवा ISL टीम के मालिक कौन है? तो आंसर है जयदेव मोदी, वेणुगोपाल धूत और विराट कोहली। अगला सवाल है, केरल ब्लास्टर्स के मालिक कौन है? तो आंसर है सचिन तेंदुलकर, चिरंजीवी आलू अरविंद और निमिगंदा प्रसाद। दोस्तों, ये चार व्यक्ति जो है केरल ब्लास्टर ISL टीम के मालिक है। अगला सवाल है, मुंबई सिटी के मालिक कौन है? तो आंसर हो जाएगा रणवीर कपूर, बिमल पारेख। ये दो व्यक्ति जो है मुंबई सिटी ISL टीम के मालिक हैं। और अगला सवाल है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइट के मालिक कौन है? तो आंसर है जॉन अब्राहम। दोस्तों, जॉन अब्राहम जो है ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइट ISL टीम के मालिक है। अगला सवाल है, पुणे सिटी के मालिक कौन है? तो आंसर हो जाएगा बधावन ग्रुप, अर्जुन कपूर और ऋतिक रोशन। इन ये तीन जो हैं पुणे सिटी ISL टीम के मालिक है। और लास्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर FC के मालिक कौन है? तो दोस्तों, आंसर है टाटा ग्रुप जो है जमशेदपुर FC ISL टीम के मालिक है। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारी वेबसाइट पे भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.nkact.com पे। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पे जाकर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अपडेट किया गया है जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस वेबसाइट से पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप फॉलो कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को, ताकि जो भी अपडेट किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।